हेलो माय क्लास टेन चैम्स वेलकम बैक टू साइंस एंड फन आज हम लोग देखने वाले हैं एक छोटी सी कहानी एक किसान की एक पेजेंट की एक आ, फार्मर की लेंचो नाम है उसका आपने हमेशा सुना है बड़ों को कहते आ, सिखाते कि कर भला तो हो भला तो क्या सच में हम किसी का भला करते हैं सच में किसी की मदद करते हैं तो अपना भी भला होता है क्या Uh, या फिर uh, आपने बहुत सारे डायलॉग्स भी सुन बहुत बार सुना होगा ये डायलॉग uh, अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात इकट्ठी हो जाती है आपको उससे मिलाने के लिए कौन सी मूवी में सुना ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और ये वाकई में होता है या ये सिर्फ डायलॉग्स है लेट्स सी दिस इन आर चैप्टर टुडे इन आर चैप्टर टुडे द चैप्टर इज लेटर टू गॉड अब अ लेटर टू गॉड इसका ऑथर कौन है ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आइए चलिए हम कहानी पढ़ें उसके पहले इसका स्टोरी लाइन देख लेते हैं है ना जैसे मूवीज का प्लॉट होता है है ना वैसे स्टोरीज का स्टोरी लाइन होता है मतलब हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं आज के स्टोरी में दे से फेथ कैन मूव माउंटेंस यानी कि अगर विश्वास है फेथ है भरोसा है तो भरोसे से हम मूव माउंटेन्स मतलब हम पहाड़ को भी मूव कर सकते हैं विच इज लाइक टेक्निकली नॉट पॉसिबल बट इट्स लाइक फेथ अगर है तो हम इम्पॉसिबल काम भी कर सकते हैं अगर विश्वास है तो हम सब कुछ कर सकते हैं ठीक है सब कुछ संभव हो सकता है इवन द इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल समटाइम्स सो वट शुड वी पुट आवर फेथ इन अगर ये सच है कि अगर विश्वास है तो सब कुछ हो सकता है तो हमें एक्चुअली अपना विश्वास किस चीज में रखना चाहिए है ना किस चीज में किस बात में दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू थिंक ठीक है कहानी किस पर आधारित है लेंचो पर लेंचो कौन है ही इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड यानी कि जब उसकी फसल खराब हो गई तो लेंचो ने एक कहानी एक चिट्ठी लिखी भगवान को ठीक है आस्किंग फॉर 100 पेसोस आस्किंग फॉर 100 पेसोस ठीक है और आपको मुझे स्टोरी uh, के एंड में कुछ क्वेश्चंस का भी आंसर देना है कौन से क्वेश्चन रीच गॉड क्या लेंचो ने भगवान को जो चिट्ठी लिखी थी क्या वो वाकई में भगवान तक पहुंची डज गॉड सेंड हिम द मनी लेंचो को जो पैसे मिले थे क्या वो भगवान ने भेजे थे इन क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कहानी सुनने के बाद बताएंगे आइए चलिए देखते हैं आज की हमारी कहानी ठीक है द हाउस अब देखो लेंचो का घर कहां पे स्थित है हम लेंचो के घर के बारे में थोड़ा सा बताने वाले हैं यहाँ पे ठीक है सो लंचोज हाउस द ओनली वन इन एंटायर वैली पूरे वैली में लेंचो का एक लौता घर था सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल हाई हिल मतलब जैसे पहाड़ होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो ऊंचा नहीं छोटा सा लो हिल था और उसका क्रेस्ट आपको पता है पहाड़ ऐसे ऐसे से होते हैं है, है ना सो so, ये जो पार्ट होता है उसको हम ट्रफ कहते हैं जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं तो क्रेस्ट पर लेंचो का घर था ठीक है फ्रॉम दिस हाइट इस हाइट पे ऑब्वियसली पहाड़ के बिल्कुल टॉपर अगर आप बैठोगे तो वहां से तो आपको नीचे सब कुछ दिख जाएगा है ना सो फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स मतलब आपको नदियां भी बहती हुई दिखेंगी आप इमेजिन करो कि आप पहाड़ के बिल्कुल ऊपर चोटी पर पीक पर जाके बैठे हो और वहां से तो आपको नदियां फिर उसके बाद जो भी खेत खलिहान होंगे सब आपको दिखेगा फसलें दिखेंगी ठीक है फ्लावर्स अगर लगे हैं तो वो भी सब कुछ दिखेगा आपको वहां से है ना तो बिल्कुल वही पोजीशन है लंचो के घर का डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जब अच्छी फसल कैसे पता चलता है हमें वहां पे खूब सारा फ्लावर्स है है ना एंड कॉर्न है कॉर्न मतलब क्या भुट्टा ठीक है सो कॉर्न मतलब बिल्कुल पका हुआ भुट्टा है राइट द ओनली थिंग दैट The Earth needed was a downpour. downpour? Downpour What do we mean by downpour? Downpour का मतलब होता है और एटलीस्ट अर भाई खूब ढेर सारी बारिश अगर नहीं होती तो कम से कम थोड़ी बहुत बौछार थोड़ा सा शॉवर है ना तो एटलीस्ट इतना तो बारिश हो जाए बस ये चाहिए था फिर उसके बाद में फसल बिल्कुल तैयार है राइट नाउ Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, intimately मतलब बहुत अच्छे से जैसे पेरेंट्स uh, अपने बच्चे को बिल्कुल अच्छे से जानते हैं बिल्कुल क्लोजली बेस्ट फ्रेंड्स हम बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं है ना तो वैसे ही अब ऑब्वियसली किसान के लिए तो उसकी खेती ही सब कुछ है उसी से उसका घर चल रहा है तो लंचो को अपने खेतों के बारे में इंटीमेटली बिल्कुल क्लोजली सब कुछ पता था ठीक हैथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ठीक है उसको सुबह से लेंचो क्या कर रहा था उसको मालूम था कि मेरे फसलों को थोड़ी सी बारिश की जरूरत है तो सुबह से कुछ नहीं किया वो बस बैठ के बारिश आ, का इंतजार कर रहा था आकाश की ओर देख रहा था टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट वो देख के बस इंतजार कर रहा था कि बादल आए और बारिश हो ठीक है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वॉटर वुमेन अब उसने अपने आ, अपनी वाइफ को कहा कि अब बारिश होने वाली है ऑब्वियसली किसानों को थोड़ा सा आइडिया लग जाता है वो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि उनको आकाश की ओर देख के बाहर बादल मौसम देख के उनको थोड़ा सा मौसम का अंदाजा हो जाता है ठीक है द वेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर द वुमेन प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड मतलब जो खाना बना रही थी तो उसने क्या किया उसने रिप्लाई किया यस गॉड विलिंग अगर भगवान की इच्छा हो मतलब हम पॉजिटिवली जब किसी चीज की वेट कर रहे होते हैं किसी चीज के इंतजार कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ना भगवान चाहेगा तो ये हो जाएगा तो बिल्कुल वैसे इस वुमन ने भी रिप्लाई किया येस गॉड विलिंग मतलब भगवान की इच्छा होगी तो ये जरूर होगा द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड

हम तो उसको क्या है? कहते हैं प्रेडिक्शन कहते हैं है ना बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगैन टू फॉल बड़ी बड़ी बारिश की बूंदे गिरने लगी इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बी सीन अप्रोचिंग अप्रोचिंग मतलब पास आते हुए नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स है ना क्या कहा जा रहा है बादल ऐसा लग रहा है इतने बड़े बड़े बादल थे कि ऐसा लग रहा था कि बादलों का पहाड़ है ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग अब ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े बादल अगर आ रहे हैं पास मतलब बारिश होने ही वाली है द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट कभी आपने uh, वो एयर का फ्रेगरेंस लिया है uh, जब बारिश आने वाली होती है तब जो अच्छी सी बिल्कुल फ्रेश सी ठंडी ठंडी हवा बहती है है ना सो द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी अब वो खाना खा रहा था जैसे ही उसको आ, पता चला कि भाई बस अब तो ठंडी ठंडी हवा बहने लगी और बारिश जिसकी मैंने प्रडिक्शन की थी वो अब होने ही वाला है वो उसको देखने के लिए बाहर चला गया ठीक है वो और किसी काम के लिए नहीं गया था बाहर फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिस बॉडी बारिश उसके बॉडी पर गिरता हुआ उस वो खुशी वो प्लेजर लेने के लिए सिर्फ वो बाहर गया ठीक है एंड वेन ही रिटर्न जब वो वापस आया तो बहुत खुश था वो है ना क्योंकि उसको मालूम था कि उसकी फसलों को और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है फसलें बिल्कुल पक गई हैं बस थोड़ी सी बारिश की जरूरत थी और वो भी आ गई ठीक है देर दीज रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई वो बोल रहे ये जो पानी की बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही ना ये पानी की बूंदे नहीं है दे आर न्यू कॉइन्स वो बोल रहा है ये तो पैसे हैं ये नए पैसे हैं बिकॉज ऑब्वियसली जब फसल को पानी मिल गया फसल पक जाएगा वो उसको बेचेगा फिर बहुत ढेर सारा फायदा होगा है ना तो वो बोल रहा है कि ये सिर्फ पानी नहीं है ये जो बरसात गिर रही है ना बारिश की बूंदे ये सिर्फ रेन ड्रॉप नहीं है ये तो न्यू कॉइन्स हैं क्योंकि नया पैसा कमाएगा है ना सो दीज आर न्यू कॉइन्स फिर द बिग आर आर सेंट एंड द लिटिल वो बता भी ड्रॉपिस है ना कि ये दस रुपए गिर रहे हैं ये पांच रुपए गिर रहे हैं है ना ये जो बारिश की बूंदे गिर रही है ना ये बड़ी बड़ी बूंदे दस रुपए है छोटी छोटी बूंदे पांच रुपए है ऐसा वो इमेजिन कर रहा है उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है ठीक है विद अटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन curtain ऑफ रेन ड्रेप्ड मतलब लपेटा हुआ तो बारिश इतनी गिर रही थी ऐसा लग रहा था कि जो uh, पूरा खेत है ना कॉर्न का मक्के का पका हुआ जो पूरा खेत है वो पूरा बारिश से लपेटा हुआ है और इसको देख के वो बहुत संतुष्ट था with a satisfied अ he एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ with its इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन curtain ऑफ रेन बट सडनली लेकिन अचानक से क्या हुआ यहां तक तो स्टोरी में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है लेकिन कहीं तो स्टोरी में ट्विस्ट जरूर होता है बस बसो की भी कहानी में ट्विस्ट आ गया अचानक से अ विंड टू टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज फॉल मतलब बारिश हो रही थी लंचो बड़ा खुश हो रहा था लेकिन अचानक से तेज हवा चलने लगी और तेज हवा चलने लगी और बारिश की बूंदों के साथ साथ बर्फ गिरने लगा हेल जो ओले ओले हम कहते हैं हैं गिरने लगे है ना एंड आप देखो आप बारिश में अगर बाहर खड़े हो इमेजिन करो चोट लग सकती है, तो फसलों का क्या होगा राइट right? सो so, ये तो फसल खराब करने वाली चीज हो गई राइट सो दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन और ये जो अः अभी ले ंचू ने क्या बताया था अपने घर पे अपनी फैमिली को कि ये जो बारिश गिर रहा है ये बारिश नहीं ये तो दस रुपए है पांच रुपए है ना लेकिन अब जो ओले गिर रहे थे ना ये एक्चुअल में सिल्वर क्योंकि व्हाइट कलर के चमकते हुए बर्फ के ओले तो ऐसे ही होते हैं राइट तो ये नए, जैसे लग रहे थे, अच्छा, में हम ये भी करते हैं जैसे ही ओले गिरते हैं तो छत पर हम खड़े रहते हैं और छाव में से फटाक से भाग के जाते हैं और थोड़े से बर्फ कर के गोले इकट्ठे करके लेके आ जाते हैं ज्यादा टाइम वहां नहीं रहते हैं बस उसके उसको हम आ, ऐसी खेलने के लिए या मजे के लिए हम उसको इकट्ठे करके लेके आते हैं लेकिन ये लेंचो के लिए तो खुशखबरी नहीं थी इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन अब लेंचो तो समझ गया कि भाई इससे तो मेरे फसल खराब हो जाएंगे आई होप इट पासस क्विकली जब कुछ बुरा वक्त आता है तो हम कैसे इंतजार करते रहते हैं भगवान बस जल्दी ये टाइम बीत जाए है ना तो वैसे ही लेंचो भी खड़ा होकर इंतजार करने लगा आई होप इट पासस क्विकली इट डिड नॉट पास क्विकली हमेशा ऐसा नहीं होता है ना तो बर्फ के ओले गिरते रहे घर पर गिर रहा था नुकसान नहीं हो रहा था गार्डन में नुकसान नहीं हो रहा था लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था फसलों पर द कॉर्नफील्ड ऑन दैन द होल वैली सब जगह बर्फ ओले गिर रहे थे राइट द फील्ड वॉज वाइट और जो Uh, uh, पूरा खेत था वो पूरा वाइट हो गया पूरा सफेद हो गया ऐसा लग रहा था बिकॉज़ छोटे-छोटे ओले सफेद कलर के होते हैं वो ऐसे कवर हो गया पूरा खेत ऐसा लग रहा था कि किसी ने नमक से पूरे खेत को कवर कर दिया हो ठीक है नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं रहा सारे पत्ते टूट गए द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड अब हुआ क्या मक्के पूरी तरीके से ब, बचे नहीं पूरी तरीके से खराब हो गए ठीक है अब देखो क्या होगा अब तक तो लेंचो की खुशी आसमान छू रही थी लेकिन अब क्या होगा द फ्लावर्स व गॉन फ्रॉम द प्लांट्स लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस लेंचो की आत्मा एकदम दुख से भर गई वेन द स्टॉम हैड पास्ट जब तूफान बीत गया ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेट टू हिस्स सन्स वो खेतों के बीच में जब तूफान चला गया तब खेतों के बीच में खड़ा होकर लेंचो अपने बच्चों को बोल रहा है अपने बेटों को बोल रहा है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस ठीक है locusts क्या होते हैं ये इंसेक्ट्स होते हैं ठीक है और ये बिग स्वाम्स मतलब ऐसी बड़ी बड़ी झुंड में आते हैं ये इंसेक्ट्स जो होते हैं ना ये बड़ी बड़ी झुंड में आते हैं और क्रॉप्स को फसलों को बर्बाद करके जाते हैं ठीक है लेंचो क्या कह रहा है अपने बच्चों को खेत के बीचों बीच खड़े होकर कह रहा है कि अब प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस मतलब वो भी अटैक अगर इंसेक्ट्स का अटैक हुआ होता तो उसमें भी इतनी बर्बादी नहीं हुई होती जितनी अभी हेल स्टोन्स के वजह से ओले के वजह से हुए हैं द हेल हैज लेफ्ट नथिंग ये ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा सब बर्बाद कर दिया दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगा सब खत्म हो गया है सब बर्बाद हो गया है लेकिन देखो लेंचो जो है ना ये थोड़ा सा भगवान में इसका विश्वास बहुत ज्यादा था तो बुरा वक्त जब आता है तो हमें जब भगवान में विश्वास होता है तो हम टूटते नहीं है उस वक्त लेंचो भी टूटा नहीं लेंचो ने क्या किया आइए चलिए देखते हैं दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन वो रात तो ऑब्वियसली दुख वाला था ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग सारा काम बेकार हो गया सारे काम पे पानी नहीं फिर गया इस बार तो सारी मेहनत पर ओले फिर गए है ना देर इज नो वन हु कैन अस ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कोई नहीं है जो हमारी मदद कर पाएगा इस बार ठीक है आपको पता ही है किसानों का घर कैसे चलता है? पूरा एक सीजन, पूरा एक सीजन उनका जाता है फसल उगाने में और उसी से उनका घर चलता है और हमारा भी पेट पलता है राइट हमारे पास कितने भी पैसे हो लेकिन अगर किसानों के पास फसल खराब हो जाएगी तो आखिर हमें खाने को क्या मिलेगा राइट तो यहाँ पर ये तो फैमिली ही पूरी उस फसलों पर डिपेंडेंट है तो कह रही है ये लंचो कह रहा है कि वी विल ऑल गो दिस ईयर इस साल हमें भूखे ही रहना पड़ेगा बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस सॉलिटरी मतलब जो बिल्कुल अकेला एकांत में जो हो है ना तो इनका घर हमने देखा ही था कैसे था लो हिल के बिल्कुल टॉप पे अकेला इसी का घर था राइट सो इन द मिडल ऑफ द वैली देर वॉज अ सिंगल होप

रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर कोई भूख की वजह से नहीं मरेगा दैट्स वॉट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल थ्रू द नाइट लेट थॉट थॉट ओनली ऑफ हिस वन होप उसको सिर्फ एक ही उम्मीद थी भगवान से और कौन आता वहां पर मदद करने के लिए ठीक है द हेल्प फ्रॉम गॉड हुईज As he had been instructed, see everything. मतलब जैसे उसे आ, संत महात्माओं ने या मंदिर में चर्च में मस्जिदों में जैसे बताया जाता है कि भगवान सब देखता है है ना भगवान को सब कुछ दिख रहा है तो उसको ये यकीन था जैसा उसको बताया गया था कि भगवान सब देखता है तो उसको ये यकीन था कि भगवान ये भी देख रहा है और हमें भूखा मरने नहीं देखा भगवान है ना सो हूज आइज as he had been instructed मतलब जैसा उसको बताया गया था सी एवरीथिंग किसके आइज भगवान के आइज भगवान के आइज सब कुछ देखते हैं इवन व्हाट इज डीप इन वनस कॉन्शियस कॉन्शियस मतलब आपकी अंतरात्मा आपकी मन में जो है भगवान को तो वो भी दिखता है तो ये सब जो बाहर बर्बादी हुई है जो नुकसान हुआ है क्या भगवान को ये नहीं दिखेगा ऑबवियसली ये भी दिखेगा है ना सो लेंचो ने क्या किया लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन ना वट डू वी मीन बाय एन ऑक्स ऑफ अ मैन है ना मतलब बहुत स्ट्रांग आदमी था लेंचो किसान वैसे भी फिजिकल वर्क बहुत करते हैं तो स्ट्रांग होते हैं ना हट्टे खट्टे होते हैं वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट अब uh, किसान तो है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि को लिखना पढ़ना नहीं आता उसको स्ट्रॉन्ग तो था ही किसान तो था ही लेकिन उसको लिखना पढ़ना भी आता था द फॉलोइंग संडे अगले संडे को लेंचो ने क्या किया एट डे ब्रेक ही अब डे ब्रेक वाला टाइम कौन सा होता है द टाइम इन द मॉर्निंग वेन द लाइट डे ब्रेक मतलब जब दिन शुरू हो रहा है जस्ट दिन शुरू हो रहा है, है तो संडे को डे ब्रेक परिखने लगा और खुद जाके मेल में प्लेस करके आता इट वॉज न लेटर टू गॉड वो क्या था वो एक चिट्ठी थी और किसके लिए भगवान के लिए चिट्ठी लिखी है ना भगवान के लिए चिट्ठी लिखी गॉड अब चिट्ठी क्या लिखी है देखते हैं गॉड हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस की भगवान तो मैं और मेरा पूरा परिवार हम भूखे रह जाएंगे इस साल आई नीड अंड्रेड पैसोज इन ऑर्डर टू सो सो मतलब जो हम बीज बोते हैं है ना तभी तो फसल उगती है टू टू सो माई फील्ड अगेन आ, अब देखो ले, लेंचो लालची भी नहीं है है ना वो ये नहीं कह रहा है कि अब जितना नुकसान हुआ सारे नुकसान का भरपाई कर दो भगवान को कह रहा है कि भगवान मुझे बस हंड्रेड पैसे दे दो जिससे कि मैं फिर से अपने खेतों में आ, मैं बीज बो सकूं और फसल उगा सकूं मतलब मेहनत करने के लिए वो अभी भी तैयार है ठीक है सो माय फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स और तब तक हम जी सके तब तक जब तक फसल नहीं उगती दोबारा से तब तक हम जी सके हम जिंदा रह सके हम अपना पेट पाल सके इतने के लिए मुझे हंड्रेड पेसोस की जरूरत है ठीक है बिकॉज़ द हेलस्टॉर्म आगे उसने लिखा कि हेलस्टॉर्म ओलों ने क्या किया टू ही रोट टू गॉड ऑन द अब यहाँ पे डॉट डॉट है मतलब उसने आगे की सारी कहानी जो आप सबको पता है वो लेटर में लिख दी ठीक है ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप एनवलप पे क्या लिखा टू गॉड है ना चिट्ठी लिखा भी भी भगवान भगवान के लिए था तो नाम भी भगवान का डाला ठीक है पुट द लेटर डालाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन परेशान तो था ही एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ अटैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स है ना तो स्टैम्प भी मारा स्टैंप मार के मेल बॉक्स में लेटर कर दिया ठीक है नाउ पैसोज क्या है ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के करेंसी है जैसे इंडिया में रुपीज चलता है तो ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के करेंसी है ठीक है ऑल राइट नाउ वन ऑफ द दॉज अब जब मेल uh, बॉक्स में क्या होता है कि पोस्टमैन आता है हम ऐसे चिट्ठी डालते हैं फिर पोस्टमैन आता है वो चिट्ठियों को उठाता है फिर वो जहाँ पे जो एड्रेस होता है वहां पर जाते हैं ना सो वन ऑफ द द हु अ पोस्टमैन एंड एट पोस्ट ऑफिस टू बॉस लाफिंग अब आप बताइए अगर आपके सामने कोई ऐसी चिट्ठी आए टू गॉड आपका रिएक्शन कैसा होगा आपको ऐसा लगेगा ना पता नहीं कौन पागल इंसान ऐसे टू तो गॉड चिट्ठी लिखा है राइट right? अब ऑब्वियसली अगर भगवान सब कुछ देख रहा है तो भगवान जरूरी थोड़ी चिट्ठी लिखने आएगा है ना चिट्ठी पढ़ने आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो गया है आ, सब लोग जो भी पोस्ट ऑफिस में जो लोग थे वो लोग हंसने लगे देख के है ना वेंट टू हिस्स बॉस लाफिंग हार्टिली हार्टिली मतलब एकदम जोर जोर से हंस रहे हैं सब लोग एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड उसने लेटर दिखाया कि अब बताओ हम भगवान का पता कहाँ से ढूंढे भगवान को हम चिट्ठी कैसे पहुंचाए नेवर इन हिस्स करियर एज अ पोस्टमैन मतलब पोस्टमैन का जितना भी उसका करियर है जब से वो पोस्टमैन का काम कर रहा है तब से वो एड्रेस उसको पता ही नहीं है चिट्ठी कहाँ पहुंचाए द पोस्ट मास्टर फेलो एम मतलब मिलनसार हो अच्छा हो सो amiable मास्टर फेलो ऑल्सो out लाफिंग

लेकिन हसते-हसते अचानक से वो सीरियस हो गया ये सोच के कि ये भगवान के नाम से चिट्ठी भेजी गई है तो किसी का विश्वास टूटना नहीं चाहिए फिर वो सोचते-सोचते ऐसे लेटर अपने डेस्क पर टैप करते हुए उसने कमेंट किया क्या कमेंट किया उसने व्हाट फेथ क्या विश्वास है इस इंसान का आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर उसको लगा भाई उसको किसी को एकदम 100% श्योर sure होगा तभी तो वो चिट्ठी लिखेगा उसका विश्वास तो देखो उसको पक्का पता है कि भगवान ये चिट्ठी पढ़ेंगे और तभी तो चिट्ठी लिखा अगर उसको वन परसेंट भी डाउट होता कि भगवान ये चिट्ठी नहीं पढ़ेंगे तो क्या उसने ये चिट्ठी लिखा होता नहीं लिखता है ना तो उसको एहसास हो, उसको फील हुआ कि भगवान पर इसका कितना विश्वास है काश मुझे भी ऐसा विश्वास होता है ना सो स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ God, starting up a correspondence with God, कि इतना विश्वास काश मुझे भी भगवान पे होता कि मैंने भी करिस्पॉन्डेंस यानी कि चिट्ठी लिखना यह सब भगवान के साथ में शुरू करता सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ जो ऑथर है जो राइटर है उसका इतना विश्वास देख के कहीं ना कहीं ये बात उसके दिल को छू गई पोस्ट मास्टर के तो उन्होंने सोचा कि इस इंसान का विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द इन गॉड द पोस्ट मास्टर से विश्वास इस इंसान का नहीं हिलाना था है ना? तो उसने कहा कि काम करते हैं आंसर द लेटर उसने कहा इस चिट्ठी का जवाब लिखो आंसर द लेटर बट वेन ही ओपन इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट He needed something more than goodwill, ink and paper. अब इस चिट्ठी का उसे क्या पता था कि चिट्ठी के अंदर पैसे मांगे गए हैं पोस्टमास्टर ने बोला यार कि भगवान के लिए चिट्ठी लिखा है चलो पढ़ के देखते हैं और इसका जवाब देते हैं ठीक है

अड़ा रहा ही आस्ट फॉर मनी आस्ट फॉर रिमेंबर स्टूडेंट आस्क का मतलब होता है पूछना लेकिन आस्क फॉर मीन्स इकट्ठा करना डिमांड करना मांगना तो उसने पैसे मांगे सभी से उसने सोचा कि चलो ठीक है किसी एक इंसान के ऊपर तो ये बर्डन नहीं डाला जा सकता है तो सब मिलके इकट्ठे होके हम पैसे जोड़ते हैं डोनेशन जैसा हम करते हैं ना थोड़ा थोड़ा करके सब लोग पैसे दो ठीक है

उसके कई दोस्तों ने भी उसके ऑफिस के एम्प्लॉज ने सब ने थोड़ा थोड़ा जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकता था उन्होंने कंट्रीब्यूट किया लेकिन फिर भी सौ पैसों इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं था इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द हंड्रेड पैसोज ठीक है अच्छा कितने पैसोज गैदर हुए थे वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना ठीक है ही ने एबल टू सेंड द इतना ही. देना exactly कितना इकट्ठा हुआ था आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना ठीक है ऑल राइट नाउ ही पुट द मनी इन एंड एनवलोप एड्रेस्ड टू लेंचो अब लेंचो को भेजा जा रहा था तो टू लेंचो लिख के चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिख के उसमें जितने भी पैसे इकट्ठे हुए थे ठीक है वो डाल दिए एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर हम लास्ट में साइन करते हैं ना योर्स फेथफुल है ना तो वहां पर उसने कुछ और नहीं लिखा पैसे कौन भेज रहा था रिप्लाई कौन कर रहा था पोस्ट मास्टर लेकिन उसने अपना नाम नहीं लिखा उसने नीचे क्या लिखा गॉड द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अबिट अर्लियर दैन यूजल अगले संडे को लेंचो हमेशा से थोड़ा और जल्दी आया टू आस्क वॉज अ लेटर फॉर हिम पूछने के लिए कि भाई मेरी चिट्ठी आई है क्या मेरे लिए कोई जवाब, कोई जवाब चिट्ठी आई है इट वॉज द लेटर टू हिम द द एक्सपीरियंसिंग ऑफ अ मैन ठीक है मतलब सेटिस्फैक्शन संतुष्टि देखो आप भी कोशिश करके देखना अगर आप किसी की मदद करते हो आप अपने फ्रेंड की मदद करते हो चाहे कितनी भी छोटी मदद हो वो मदद करके आपको अच्छा लगता है ना यू फील हैप्पी सामने वाला पर्सन आपको थैंक यू बोले नहीं बोले लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगता है यू फील गुड वैसा ही पोस्टमास्टर को भी फील हो रहा है पोस्टमैन ने उसे लेटर पकड़ा है और पोस्टमास्टर देख रहा है और देखते हुए उसे बहुत खुशी हो रहा है है ना और उन लोगों ने कुछ बताया नहीं कि ये लेटर का जवाब किसने दिया इसमें पैसे किसने इकट्ठे किए लेकिन इन लोगों को अच्छा लग रहा है एक्सपीरियंसिंग द दैन ऑफ अ मैन हु हैज अ गुड डीड गुड डीड मतलब अच्छा काम जो करता है तो उसको कितनी संतुष्टि होती है वो अब उसे महसूस हो रही थी पोस्टमास्टर को लुक डॉन फ्रॉम हिस ऑफिस

लेंचो को पूरा विश्वास था कि मैंने चिट्ठी भगवान को लिखा भगवान पढ़ेंगे और रिप्लाई भी करेंगे एंड इसीलिए उसके फेस पर कोई नॉट द स्लाइटेस्ट थोड़ा सा भी उसके फेस पर सरप्राइज नहीं था ऑन सीइंग द मनी ऑन लेटर भी देखे लेटर के अंदर मनी भी था ठीक है सच वाज हिज कॉन्फिडेंस मतलब उसका कॉन्फिडेंस जो हाई लेवल पे था इस हाई लेवल पे था बट ही बिकेम एंग्री पैसे देख के क्या, हुआ? पैसे क्या हुआ? पैसे वो पैसे देख के वो गुस्सा हो गया

मना क्यों करेंगे ना मना करेंगे ना पैसे कम देंगे मतलब भगवान की गलती नहीं है तो आखिर गलती किसकी है जो कम पैसे आए इमिजिएटली टू दू आस्क और उसने बोला एक, एक पेपर दो और इंक मतलब लिखने के लिए एक पेपर दो और इंक दो भाई कंप्लेन करेंगे अब वो भगवान को है ना पैसे कम आए हैं तो कंप्लेन तो करना बनता है ठीक है अच्छा क्या कंप्लेन किया On the public writing table, वो जो public writing table था, आप कभी गए हो, तो आपने देखा होगा कि एक public writing table सा भी रखा होता है ना, वहाँ पे सब लोग अपने चिपकाते रहते है या कुछ -कुछ लिख के रहते हैं, हैं। या कुछ-कुछ भेजते उसने भी लिखना शुरू कर दिया विध मच रिंकलिंग ऑफ हिस ब्राउ ब्राउ क्या होता है ये ऐसे मतलब बिल्कुल एकदम तो, जब आप गुस्से में रहते हो ऐसे आपकी जो भावे चढ़ जाती है हम बोलते हैं ना ऐसे

एफिक्स टू द एफिक्स मतलब स्टिक कर देना टू द एनवलोक ब्लो ऑफ इज फिस्ट आपने देखा होगा जो पुरानी चिट्ठियां होती थी वहां पे ग्लू लगा हुआ होता है ऑलरेडी है ना एंड थोड़ा सा पानी या आ, उस पे आ, स्पिट लगा के कुछ लोग पुराने लोग उस उसपे स्पिट लगा के थोड़ा सा उसको गीला करके फिर उसको चिपका देते हैं एस 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 करके चिपका देते हैं ना आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स पे एग्जाम फॉर्म्स पे आप फोटो लगाते हो और एस 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 करके चिपका देते हो है ना सो so उसने क्या किया फिस्ट मतलब ऐसे मुठ्ठी ब्लो ऑफिस फिस्ट ऐसे एस करके उसने स्टैंप लगा दिया एकदम गुस्से में या अभी अभी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है लंचो का ठीक है सो द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेन्ट टू ओपन इट अब वो लेटर का रिप्लाई किसको दिया गया था भगवान को या पोस्ट मास्टर को लिखा तो पोस्ट मास्टर ने था भगवान की ओर से तो रिप्लाई भी यही पढ़ेंगे अच्छा देखते हैं अब रिप्लाई क्या है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्ट फॉर लेंचो कह रहे हैं भगवान जो पैसे मैंने तुमसे मांगे थे ना उसमें से ओनली सेवनटीन पैसोज मेरे पास पहुंचे हैं ओनली सेवनटीन पैसोज मेरे पास पहुंचे हैं जो जो बाकी है है ना ना वो मेरे 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 पास पास भेजो और इस बार मेरे पास भेजना. ये 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 से नहीं चक्के इन्होंने ही मेरे थीस पैस, थीस चोरी कर लिए क्योंकि आप थोड़ी गलती कर सकती हैं ओ भाई कर भला तो हो भला सच में होता है क्या ऐसा लंचों के बेचारा तो पोस्ट दुखी हो गया होगा है ना सो गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्ट फॉर ओनली भाई कॉन्फिडेंस देखो भाई का सेंड मी द रेस्ट जो बाकी बच्चे हुए ना वो भेजो. It, बोल रहा है बहुत ज्यादा ऐसा नहीं मैं लालची हूं मुझे जरूरत है, बहुत मुझे जरूरत है बहुत तो जो बचे हुए पैसे, वो भेजो. इस बार मुझे मेल से मत भेजना बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉज आर बंच मतलब ग्रुप ऑफ क्रुक्स क्रुक्स मतलब क्या चोर उचक्के तो जो पोस्ट ऑफिस में बैठे लोग हैं ना ये चोर उचक्कों का एक झुंड है इन इसलिए मेल से मत भेजना ठीक है अब भगवान को डायरेक्ट अवतार लेना पड़ेगा इनको बाकी के थर्टी पैसों देने के लिए अब मेल से ना भेजे तो बताओ कैसे भेजे है ना सो so, और लास्ट में लिख दिया लेंचो ओ भाई अब बताओ मुझे आपको क्या लगता है कर भला तो हो भला सच में हमेशा पॉसिबल होता है पोस्टमास्टर को बेचारे को कितना बुरा लगा होगा है ना कैसा रहा होगा पोस्ट मास्टर का एक्सपीरियंस uh, नहीं उसका फीलिंग कैसा रहा होगा वो आप लोग मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना और आज की कहानी कैसी लगी ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना दैट्स फॉर नाउ स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग जय हिंद एवरी